Hey guys, welcome back to another video. Last video में बात किया था किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं फ्लुएंसी को, और उसमें definitely accuracy आती है. और सबसे बड़ा सवाल ये है कि accuracy को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए. लास्ट वीडियो में थोड़ा सा glimpse दिया था कि किस तरीके से accuracy को इंप्रूव करें, लेकिन इस वीडियो में प्रॉपरली देखेंगे कि कहां पर मोस्टली मिस्टेक्स की जाती है और उनको किस तरीके से इंप्रूव करना है. एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड जस्ट लिसन टू दिस. वेल एक्चुअली द थिंग इज व्हेन यू स्पीक समथिंग यू ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड इट go in your mind quite nicely because it happen and it all the time happen and you knows how to tackles the problem. So did you understand? No, God, no, God, please, no, 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 no. Oh, okay. तो चलो देखते हैं कहाँ पर mistakes ज़्यादा होती हैं और किस तरीके से उन्हें improve किया जाता है. तो सबसे पहली बात ये है कि mostly जो भी लोग English को almost जान चुके हैं वो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं मेन वर्ब एंड सपोर्टिंग वर्ब के दरमियान. जब वो मेन वर्ब एंड सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं तब किसी भी टेंस का मेन वर्ब या फिर सपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में अननेसेसरीली ऐड कर देते हैं. तो यहां पर मेनली क्या चीज है कि दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. एक सेंटेंस टाइप होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव. तो लोग करते क्या है, अननेसेसरीली एक्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन को पैसिव में ऐड कर देते हैं कुछ भी करके. And that's why you are lacking. तो इसमें होता क्या है कि आप एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस फॉर्मेशंस के जो वर्ब्स होते हैं उनको इंटरचेंज कर देते हो, अननेसेसरीली मिक्स कर देते हो. और वर्ब्स में सपोर्टिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स दोनों होते हैं. अब सपोर्टिंग वर्ब्स कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड वगैरह वगैरह वगैरह, वो सपोर्टिंग वर्ब्स हैं. तो मोस्टली टेंसेस में और पैसिव सेंटेंसेस में सपोर्टिंग वर्ब्स आते ही हैं, लेकिन कभी कभी नहीं आते हैं. फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल ही प्लेज क्रिकेट, ही ईट्स पिज्जा, दे प्ले कैरम. इसमें इज, एम, आर, वाज, वर नहीं आता है, लेकिन इसके पैसिव सेंटेंसेस में डेफिनेटली इज, एम, आर आता है. फॉर एग्जाम्पल पिज्जा इज ईटन बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, PUBG is played by him. ये सारे जो sentences है उसमें definitely supporting verb आता है जो है is, या फिर am भी आता है, कभी कभी are भी आता है. तो आपको पता होना चाहिए कौन से syntax में, कौन से sentence formation में supporting verb आएगा, कौन से में नहीं आएगा. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप passive के जो भी supporting verbs and main verbs होते हैं उनको active में unnecessarily ले लेते हो. Work is done in the office, तो is done यहाँ पे आया. तो आप करते क्या हो, he is works in the office, तो उसको आप इंटरचेंज कर डालते हो. एंड दैट्स वेयर यू आर लैकिंग. तो इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी बोल रहे होते हो आप अपनी फुल स्पीड में बोल रहे होते हो. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्पीक अ बिट स्लोली देन योर एक्चुअल स्पीड. अपनी जो भी स्पीड है उससे थोड़ा सा स्लो बोलो. तो होगा क्या कि आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस कर पाओगे और आप आराम से अच्छी तरीके से मिस्टेक किए बगैर बोल पाओगे. और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसी तरीके से इसमें भी आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है. अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, अपने फोन में अपना रिकॉर्डिंग करना है. जब भी आप किसी से बात करते हो या फिर ऐसा प्रिटेंड करोगे किसी से बात कर रहे हो तब उसको अगेन रिकॉर्ड करो, फिर उसको देखो कहां पे मिस्टेक हो रही है, कहां पे आप पैसिव की फॉर्मेशन को एक्टिव में ला देते हो, एक्टिव की फॉर्मेशन को पैसिव में मिक्स कर देते हो. ये देखो, इसको एनालाइज करो, ठीक से सोचो, आराम से सोचो, आराम से बोलो, टेक योर टाइम, फिर ग्रेजुअली स्पीड तो इम्प्रूव हो ही जाएगी. और उसके बाद डेफिनेटली एक्टिव एंड पैसिव फॉर्मेशंस मिक्स नहीं होंगी. आई होप ये नहीं होंगी. अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू लाइक, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज इंग्लिश के रिलेटेड आने वाले हैं. एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली. अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल टॉक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.